करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके पीसीएस के एग्जाम या और कोई बंड एग्जाम होता है उसमें एग्जाम में आपकी ये सारे करंट अफेयर्स आपकी हेल्प करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड काकोरी ट्रेन एक्शन कॉन्ट्रेरी फेस्टिवल इन फिस सिटी। तो आपको बताने की काकोरी ट्रेन एक्शन जो सेंट्री फेस्टिवल है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी की किस सिटी में सेलिब्रेट किया, तो ये लखनऊ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड काकोरी ट्रेन एक्शन सेंट्री फेस्टिवल इन लखनऊ टू मार्क 100 ईयर ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन टू एजुकेट यूथ एंड स्टूडेंट इन अगस्त 1925, यानी अगस्त 1925 को द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए कंडक्ट काकोरी ट्रेन एक्शन। एग्जाम में पूछ सकता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो था वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो ये एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। इसके मेंबर कौन कौन थे वो भी बताएंगे, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इसको अंजाम दिया गया था, और जो इसके लीडर थे या जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था उनका नाम है राम प्रसाद जैस्मिन, अशफाकुल्ला खां, और भी यहाँ पर रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर जैसे राजेंद्र लहरी। इन्होंने ट्रेन को वहाँ पर रोका और अराउंड 8,000 रुपये जो थे वो लूट लिए, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनका ये एक्शन था। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च अ हाथी ऐप एलिफेंट हैप ऐप टू हेल्प मिटिगेट ऑनगोइंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन असम। हम जानते हैं कि एलिफेंट और जो होते हैं वो ह्यूमन हैबिटेट में चले जाते हैं या जहाँ लोग रहते हैं वहाँ चले जाते हैं, फिर उनके बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हाथी बहुत बार जानवरों को नुकसान पहुँचा देते हैं, और जानवरों को नुकसान पहुँचा देते हैं और लोगों को भी नुकसान पहुँचा देते हैं, बट हाथियों का भी बहुत नुकसान हो जाता है, उनको करंट वगैरह लग जाता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें एलिफेंट हैप या हाथी ऐप को लॉन्च किया। अन्ना एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो है आर्यांक। आर्यांक देखते हैं आर्यांक कहाँ है, ये तो असम में है। आर्यांक लॉन्च द मोबाइल ऐप एंड हैंडबुक टू एड्रेस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन असम। ओके, ऐप का नाम है हाथी ऐप, और हाथी ऐप प्रोवाइड अर्ली वार्निंग अबाउट वाइल्ड एलिफेंट नियर विलेज इंक्लूड फॉर्म फॉर विक्टिम क्लेम कम्पेंसेशन। ओके, आर्यांक विल हैंडल फॉर्म सबमिशन विद फॉरेस्ट डिवीजन। ओके, असम में ऐसा किया गया, ये भी याद रखें। अगला है कि ट्राइकोफाइटन इंडोनाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाई विच पैथोजन। सो ये है फंगस, ट्राइकोफाइटन इंडोनाइटिन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाई विच पैथोजन, फंगस। यह है क्या, एक ड्रग रेसिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन है। ओके, स्पेशली ट्राइकोफाइटोन इंडोटेन अ ग्रोइंग हेल्थ कॉन्सर्न इन इंडिया, ये भी आप याद रखें। सिम्टम्स हैं परसिस्टेंट ट्रीटमेंट असिस्टेंट रेसेस ऑफन मिसडाइग्नोस्ड। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग क्या होती है, यूजिंग परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स गेनिंग कम्पिटेटिव एडवांस थ्रू स्पोर्ट इक्विपमेंट। लेकिन ये है ऑप्शन ए, यूजिंग परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर है गेनिंग कम्पिटेटिव एडवांस थ्रू स्पोर्ट इक्विपमेंट। ओके, सो गेनिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्रू स्पोर्ट इक्विपमेंट। एक्सपर्ट हैव रिसेंटली राइज कॉन्सर्न अबाउट टेक्नोलॉजिकल डोपिंग इन स्पोर्ट। आपने देखा ये बाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इसको मॉनिटर भी करती है। ओके, क्वेश्चन है कि मुल्ला पेरियार डैम या डैम विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो केरला में है, न्यूज में क्यों था देखते हैं। सो देर आर कंसर्न अबाउट सेफ्टी ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम विच मे बी एट रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग बिल्ट बाई ब्रिटिश अक्रॉस रिवर पेरियार के ऊपर है। मुल्ला पेरियार डैम जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, मेन पर्पज था डाइवर्ट वाटर टू तमिलनाडु एरिड रीजन, तमिलनाडु उनको पानी प्रोवाइड करने के लिए इस डैम को बनाया गया था, और ये 999 ईयर लीज टू गिव तमिलनाडु ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे एक लॉन्ग बहुत लंबा डिस्प्यूट भी चल रहा है तमिलनाडु और केरला के बीच में ओवर द सेफ्टी ऑफ डॉम और वाटर राइट। ओके, तमिलनाडु बोलता है इतना चाहिए, केरला बोलता है इतना है ही नहीं। आप बता सकते हैं कि वाटर डिस्प्यूट को कौन किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, इसके लिए कोई ट्राइब्यूनल वगैरह बनाया गया है कि नहीं। रिसेंटली फिर बस 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग है न्यू डेली कैनबरा चेन्नई हैदराबाद। तो ये है कैनबरा, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ, आपको पता ही होगा कैनबरा इज कैपिटल है कि ऑस्ट्रेलिया की, आपको बताना है कहाँ की है। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड टू की बायलेटरल मीटिंग टू इनहेंस देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, ऑस्ट्रेलिया होस्टेड 6th, ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मेरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन कैनबरा। ओके, इंडियन डेलीगेशन वाज लीड बाय मिस्टर मोपी सवाई वाइल मिस्टर सारा स्टोरी। ओके, विनर फिलिप फिशर डेलीगेशन। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ जूनियर मैंस हॉकी टीम है पिया सृजेश। सो पी आर सृजेश हु रिसेंटली लीड इंडिया टू अ ब्रॉन्ज मेडल एट 2024 ओलंपिक हैज बीन अपॉइंटेड न्यू
कोच ऑफ इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम, सो यू शुड रिमेंबर इट। ओके, हॉकी इंडिया सेलिब्रेटर सजेस्ट मूव रिकॉग्नाइजिंग हिज इंस्पायरिंग जर्नी। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में, इंडियन हॉकी टीम ने, इस बारे भी आप याद रखें। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च हिम उन्नति स्कीम टू बूस्ट नेचुरल फार्मिंग? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। सो ये है हिमाचल प्रदेश, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश ने ऐसे ही इनिशिएटिव को लॉन्च करता है। तो हिमाचल प्रदेश है लॉन्च हिम उन्नति स्कीम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग विद 150 करोड़ एलोकेशन भी इसके लिए दिया गया है। आप बस इतना याद रखें कि हिमाचल ने हिम उन्नति एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। रिसेंटली DRDO एंड इंडियन आर्मी हैव सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजेंसली बिल्ट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या MPATGM एट विश रीजन, पोरबंदर, पोखरण, विशाखापट्टनम। तो यह है पोखरण, पोखरण ही है, पोखरण राजस्थान। तो आपको याद रखना कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। MPATGM भी इसको बोलते हैं, पोखरण रेंज, जो कि राजस्थान में है, जहाँ पर इंडिया के न्यूक्लियर बम को भी टेस्ट किया गया था। आपको बताना है कि थडाऊ, पाइटी एंड हमार कम्युनिटी समटाइम्स इन न्यूज आर इंडिजीनियस टाइप ऑफ विच स्टेट? झारखंड, बिहार, उड़ीसा। सो ये हैं उड़ीसा की या मणिपुर की, देखते हैं, तो ये मणिपुर की है। सो मणिपुर गवर्नमेंट प्लान्स टू होल्ड पीस टॉक। ओके, मणिपुर में वायलेंस चल रहा है बहुत सारे दिनों से, कई सारी ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ के बीच में, आपको पता ही होगा। विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थडाऊ, पाइटी एंड हमार कम्युनिटीज़। ओके, दिस कम्युनिटीज़ आर इन्वॉल्व इन ऑन गोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट विद द नॉन ट्राइब मैथी एंड ट्राइबल कुकी जोमी पीपल दैट बिगन इन May 2023, जो कि अभी भी चल रहा है। क्वेश्चन है, विच कंट्रीज साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंगी एज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू ओशियन पॉल्यूशन? तो यह है जर्मनी। प्लास्टिक ईटिंग, जो प्लास्टिक को खाते हैं, ऐसे फंगी को इन्वेंट किया है जर्मनी के साइंटिस्ट ने, और ये हेल्प करेगा समुद्र में फैले प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने में। देखते हैं ऐसा को पता है कि नहीं। साइंटिस्ट इन जर्मनी हैव डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंगी। ओके, इसका नाम है एस्परगुलियस एंड पेस्टोलॉजिस्ट जेनरा दैट में हेल्प एड्रेस प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या ED के जो डायरेक्टर हैं उनके इसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड रिमेंबर इट। ये है विनय पटनायक, राहुल नवीन, इनका नाम है राहुल नवीन, यू शुड रिमेंबर इट, आपको अच्छे से याद रखना है। ये राहुल नवीन को ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का अभी अपॉइंटमेंट किया गया है पद पर। ओके, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होते हैं उसकी। क्वेश्चन है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन इंडिपेंडेंस डे 2024? ये है 103। एक्चुअल है, याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड 103 या 103 गैलेंट्री अवार्ड फॉर आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस को गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, आप ये भी याद रखें। और अवार्ड में आते हैं जैसे कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ओके, बार टू सेना मेडल, ये सब आप याद रख सकते हैं। इसमें आर्मी डॉग को भी अवार्ड दिए जाते हैं, जो कुत्ते होते हैं सेना की मदद करते हैं उनको भी दिया जाता है। उनको कुत्ते तो नहीं बोल सकते, आप उनको फ्रेंड बोल सकते हैं आर्मी के, हमारे देश के। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड थर्ड वॉइस ग्लोबल साउथ समिट? नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार। सो इट इज इंडिया वॉइस ग्लोबल साउथ समिट होस्टेड बाय इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन August 17, 2024, हेल्ड वर्चुअली, यानी वर्चुअल हेल्ड हुई थी, आप इसको याद रखें। क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द 17th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड? बीजिंग, न्यू दिल्ली, लंदन, मॉस्को। तो ये चाइना में। ओके, तो चाइना हेल्ड, इंडियन स्टूडेंट टीम वॉन मल्टीपल मेडल एट 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड इन बीजिंग चाइना। ओके, जो कि 8 से 16 अगस्त 2024 को हेल्ड हुआ था चाइना में। इंटरनेशनल, और इसका जो नाम है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड एनुअल कंपटीशन है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के वर्ल्ड वाइड के लिए। क्वेश्चन है, मूडा स्कैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्टेट? कर्नाटका से रिलेटेड है क्या मूडा स्कैम? ये स्कैम क्यों हुआ है या किस फील्ड से, देखते हैं। सो मूडा इज बींग इन्वेस्टिगेटेड फॉर पॉसिबल अनफेयर प्रैक्टिस इन कम्पनसेटिंग फॉर अकॉर्ड प्राइवेट लैंड। ओके, प्राइवेट लैंड को अकॉर्ड करने में अनफेयर प्रैक्टिस को अपनाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। मूडा स्कीम इसको दिया गया है नाम एलिगेशन सर्फेस डेट। कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया वाइफ पार्वती रिसीव्ड 14 प्लॉट इन प्राइम एरिया राइजिंग लीगल एंड फेयरनेस कंसर्न। को मूडा एस्टेब्लिश्ड इन 1904। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ साइनाइड सेंसर टू इनहेंस सेफ्टी ऑफ वाटर एंड फूड प्रोडक्ट्स? काइनाइड बोल सकते हैं। तो ये BHU, IIT दिल्ली, कानपुर, कौन सी है, तो केरला यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है। क्या किया है इन्होंने, डेवलप किया है काइनाइड सेंसर टू इनहेंस
सेफ्टी ऑफ वाटर। ओके क्वेश्चन है, टीस्टा बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, सिक्किम, ओडिशा, बिहार। सो इट इज सिक्किम। ओके, लैंड स्लाइड रिसेंटली डैमेज 6 हाउसेस एंड एन एच पी सी बिल्डिंग इन टीस्टा बी हाइड्रो पावर स्टेशन इन सिक्किम गंगटोक डिस्ट्रिक्ट। सो आप इसको याद रख सकते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया चीफ डी मिशन फॉर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024? ये हैं सतप्रकाश सांगवान। देखते हैं, ठीक है, तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सतप्रकाश सांगवान एज चीफ डी मिशन फॉर पेरिस पैरालंपिक्स गेम 2024। आप इसको याद रखें। अगला बीच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद जूसी मिशन रिसेंटली सीन न्यूज? दे ईएसए है, तो जूसी मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ईएसए जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसको जूसी भी बोलते हैं, ईएसए का है। कंप्यूटर यूनिक लूनार अर्थ मोमेंटम फॉरेस्ट जर्नी टू वेनस एंड जुपिटर, इसको आप याद रख सकते हैं। और जूसी लॉन्च इन 2023 बाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एक्सपेक्टेड टू रीच जुपिटर बाई 2031, 2031 तक जुपिटर तक पहुंच जाएगा। आपको बस इतना याद रखना, जूसी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है। विच एलिमेंट आर जनरली यूज इन एटॉमिक क्लॉक रिसेंटली सीन इन न्यूज? सेसियम, यही है, केसीसीएम बोल सकते हैं, केसीएम। सो एन इंटरनेशनल ग्रुप है प्रपोज अ लूनार टाइम स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड टाइम डिस्क्रेपेंसीज ऑन मून ड्यू टू इट्स यूनिक ग्रेविटी। ओके क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी? गोविंद मोहन, सुशील कुमार, गोविंद मोहन ही है। ओके, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन बिकम यूनियन होम सेक्रेटरी ऑन अगस्त 22, 2024 सक्सेडिंग अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काला मेजदूतु रिसेंटली सीन इन न्यूज? ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म क्लासिकल डांस फोक, क्या है ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कहाँ से रिलेटेड करता है? काला मेजुथु वर्कशॉप बहुत रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाई मलयालम डिपार्टमेंट इन कोसी केरला से रिलेटेड है ये। अगला है, पम्पाडुम सोला नेशनल पार्क बीच व सीनी न्यूज इज लोकेटेड इन बीच स्टेट? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये है केरला में। आप इसका नाम याद रखें। सो अ न्यू प्लांट स्पेसीज गोंगरोमिया ससीधरनिया बाज डिस्कवर्ड इन पम्पाडुम सोला नेशनल पार्क, जो कि ये केरला में है, आप इतना याद रखें। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च टेंजर या टेनेजर 1 सैटेलाइट टू ट्रेस मेथेन इमिशन? तो यह है नासा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद इसको रख सकते हैं। नासा लॉन्च टेनेजर 1 सैटेलाइट टू ट्रेस मेथेन इमिशन। ओके, सैटेलाइट वॉज लॉन्च यूजिंग स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। क्वेश्चन है, अंगोरबट विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो यह है कंबोडिया, अंगोरबट कंबोडिया में है, और ये रिसेंटली यूनेस्को का 8 वंडर भी बन गया है। विजिटर आर मेड मी रन टेम्पल रन गेम कंबोडियाज अंगोरबट। ओके, लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है, कवरिंग 200 एकड़, 12th सेंचुरी। खेमा किंग सूर्य वर्मन सेकेंड ने इसको बिल्ड किया था, लेटर बिकमिंग बूंदी। इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1992। अगला है कि जलद पारा नेशनल पार्क न्यूज में था, किस स्टेट का है? तो ये वेस्ट बंगाल का है। सो जलद पारा नेशनल पार्क इन न्यूज, 5 राइनो कब्स डाई हो गए थे यहाँ। क्वेश्चन है, बीच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च सुभद्रा योजना स्कीम? तो ये है उड़ीसा, उड़ीसा में नई गवर्नमेंट बनी है, आपको बताना इसके सीएम कौन है, दिया ही हुआ है, तो उड़ीसा सीएम मोहन मांझी इनका नाम है। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम सुभद्रा, प्रमिसिंग 50,000 टू 1 करोड़ वुमेन एट एज 21 to 60, मतलब एक साल में 50,000 रुपये देंगे ये प्रत्येक वुमेन को इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच। दोस्तों ये थे अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।